हाँ तो आपने स्टार्टिंग में छोटी सी क्लिप देखी ली होगी जो कि मैं आपको बहुत सारे फोटोज बताने वाला हूँ, क्योंकि फाइनली वो क्लिप सामने निकल कर आ चुकी है जहाँ पे अरमान मलिक ने विशाल पांड्या को एकदम भयंकर तरीके से खतरनाक वाली थप्पड़ मारी। मैं आपको सारे फोटोज बताने से पहले ही बता देता हूँ, बिग बॉस के अभी तक जितनी भी सीजन हुएंगे, चाहे वो टीवी वाले 17 सीजन, चाहे वो ओटीटी का ये तीसरा सीजन, कुल मिला के 20 सीजन के अंदर अभी तक किसी खिलाड़ी ने किसी खिलाड़ी को इतने भयंकर तरीके से नहीं मारा, इतने भयंकर तरीके से थप्पड़ नहीं मारा जिस लेवल पे अरमान मलिक ने विशाल पांड्या को थप्पड़ मारा। आप सभी को बता दे चलो, एक प्रोमो रिलीज हुआ जहां पे क्लियरली आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, जहां पे क्लियरली अरमान मलिक ने डायरेक्ट उनके पास आके बोला कि तूने मेरे बीबी के बारे में ऐसा कैसा बोला। मतलब डायरेक्टली वो लव कटारे को बोलते हुए नजर आ गया, आज ये मेरे फैमिली पर आया, कल तेरे फैमिली पर आएगा। और ये बातचीत के बीच में इस लेवल पे और इतना भयानक तरीके से थप्पड़ मारा अरमान मलिक ने, आपको मेरे स्क्रीन पे फोटो दिख रहा हूँ जहां पे विशाल पांड्या पे तरस आने लगा था, जहां पे विशाल पांड्या बिलबिला रहा था। मतलब एकदम भयंकर तरीके से अभी तक बिग बॉस के अंदर किसी ने किसी को नहीं मारा होगा। लेकिन आप सभी को बता दूं, ये कॉन्ट्रोवर्सी जहां से शुरू हुई वो विशाल पांड्या लव कटारा बात कर रहे थे आपस में, शायद आप सभी को पता होगा, मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो के अंदर बताया था, जहां पे वो बोलते हैं कृतिका भाभी आप बिना मेकअप के अच्छे लगते हो। उसके बाद विशाल पांड्या कान में बोलते हैं लव कटारा के, देख भाई मुझे ये सुंदर लगती है कृतिका भाभी। बस ये वाली चीज़ को लेकर वीकेंड के वार के अंदर जम के उनकी बेइज्जती की गई, जम के उनको ट्रोल किया गया, जम के अनिल कपूर ने सुनाया, पायल मलिक ने सुनाया, के बाद नतीजा ही निकलता कि अरमान मलिक आते हैं और थप्पड़ मार देते हैं। पब्लिक की मांग है कि भाई अरमान मलिक को बिग बॉस से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस का रूल तोड़ा। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा लगता, कौन गलत लगता, क्या आपको विशाल पांड्या से लगता है या फिर अरमान मलिक कृतिका भाभी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।